हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभी स्टडी 95। दोस्तों, आज की वीडियो में हम प्रॉफिट लॉस का ये चौथा वीडियो जो आपको बताने वाला हूँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक अलग टाइप के प्रश्न कैसे बनते हैं प्रॉफिट लॉस के। तो आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में देखिए, हम आपको बताएंगे कि जब वस्तु का क्रय मूल्य, जिसे हम कॉस्ट प्राइस भी कहते हैं, जब वस्तु का क्रय मूल्य लाभ प्रतिशत / हानि प्रतिशत के बराबर हो, तो ऐसे प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो मेरे साथ आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। मैं आपको दो ट्रिक बताऊंगा, जो ट्रिक आपको अच्छा लगे इस प्रश्न पे आप अप्लाई करके अपने आंसर को प्राप्त कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा, पहले ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। देखिए, किसी वस्तु को 96 रुपया में बेचने पर हुआ लाभ प्रतिशत, देखिए 96 रुपया है ये आपका सेलिंग प्राइस है, और हुआ लाभ प्रतिशत उस वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। तो यह जो प्रश्न बन रहा है, लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो आपको क्रय मूल्य फाइंड करना है। मेरी बात आप ध्यान से सुने, प्रश्न आपके बहुत अच्छे तरीके से लगेंगे। देखिए, जब भी इस तरह के प्रश्न बने तो लाभ प्रतिशत अगर क्रय मूल्य के बराबर है, प्रश्न में लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर है और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्रय मूल्य कितना होगा, तो इसके हम दो तरीका आपको बताएंगे। जो आपको अच्छा लगे उसे आप लगाइएगा और भी क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिएगा। देखिए, एक फार्मूला बेस है, इस फार्मूला को आप बहुत जल्दी याद कर लेंगे। कास्ट प्राइस इक्वल टू 10 और अंडर रूट 25 प्लस सेलिंग प्राइस और माइनस 50। ये आपका बहुत छोटा सा फार्मूला है। और एक ट्रिक और भी आपको बताएंगे, जिससे आप सवाल को बहुत जल्दी लगाएंगे। तो देखिए, इस फार्मूला में आपको कास्ट प्राइस फाइंड करना है और सेलिंग प्राइस 96 रुपया दिया है। तो फार्मूला में पुट करें 10, और इसे देखिए सॉल्व करेंगे तो 6 5 11 और 9 2 11 और 1 क्या हो जाएगा 12, तो अंडर रूट 121 माइनस 50। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये थोड़ा जल्दी आना चाहिए कि 121 का वर्गमूल क्या होता है। तो 121 का जो वर्गमूल होता है 11 होता है और माइनस 50, तो देखिए गुणा करेंगे तो 110 माइनस 50। अगर आप घटाएंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 0 और 6 60 रुपया है ना। 110 में से आप 50 को घटाएंगे तो कितना होगा, 60 रुपया। तो जो कास्ट प्राइस निकल के आ गया वो कितना आ गया, 60 रुपया आ गया। ये आपका फार्मूला बेस है। अगर फार्मूला को आप रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो सीधे इसके वैल्यू को पुट करके आंसर को प्राप्त कर लेंगे। फार्मूला देखिए, अब आपको हम एक बेसिक ट्रिक बता रहे हैं, और जो ये ट्रिक है इसी पे लागू होगी। आप जब लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो नंबर दिया है 96 रुपया, बेचने पर एक ही नंबर आपको मिलेगा, देखिए 96 रुपया। अब हम क्या करेंगे कि जो 96 रुपये है इसका इकाई का कितना है, 6। मेरी बात ध्यान से समझिए, इकाई का कितना है, 6 है। हम आपसे कहेंगे कि आप ऐसे नंबर का स्क्वायर करो जिसका इकाई का अंक 6 हो। तो आप कहेंगे सर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, जिसका इकाई का अंक कितना है, 6 है। तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे। फिर एक ऐसे नंबर का स्क्वायर करिए जिसके इकाई का अंक कितना हो, 6 हो। तो आप कहेंगे कि सर 6 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर होता है 36, जिसका इकाई का अंक कितना है, 6 है। यही दो नंबर हैं जिनका स्क्वायर करने पर इकाई का अंक आपको कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 16 में इकाई का अंक कितना है, 6 है। 6 का स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर कितना होगा, 36, 36 में इकाई का अंक कितना है, 6 है। अब यहाँ पर देखिए, आपको एक नंबर मिला 4 और एक नंबर मिला 6, यहाँ पर आप 0 लगा दीजिए दोनों नंबर पे। अब आपको यहाँ पर आंसर मिलना है, कास्ट प्राइस क्या होगा। देखिए 96 जो नंबर है, इन दोनों नंबर देखिए 40 और 60 में किसके करीब है, तो आप कहेंगे कि सर 60 के करीब है, तो यही 60 इस 96 के करीब है, तो यही 60 हो जाएगा आपका कास्ट प्राइस क्रय मूल्य। कितना आसान था, बहुत आसान था, इसे आप कर लेंगे। जैसे इस ट्रिक से ऐसे टाइप के सवाल की प्रैक्टिस करिएगा, आपके सवाल जरूर लगेंगे और बनेंगे। देखिए, कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर जो भी नंबर दिया है उसका यूनिट नंबर लेना, इकाई का अंक लेना है। फिर क्या करना है कि ऐसे दो नंबर का आपको स्क्वायर करना है जिसका इकाई का अंक कितना हो, 6 हो।
तो यहाँ पर जो इकाई का अंक मिला है कितना है, 6 है। तो 4 का हम स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16, 16 में देखिए इकाई का अंक कितना है, 6 है। फिर हम अगला नंबर 6 लेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 36 होगा। 36 में देखिए इकाई का कितना है, 6 है। फिर इन दोनों नंबर में हम 0 लगा देंगे, फिर चेक करेंगे कि देखेंगे कि इन दोनों नंबर में से जो नंबर दिया है इसके करीब कौन सा है, तो जो करीब होगा वही आंसर होगा। तो 96 और 60 ये दोनों करीब हैं, तो 60 वाला आंसर होगा। तो इसका एक आंसर होगा ₹60, तो आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। तो फार्मूला बेस भी आप समझ गए हैं और ये ट्रिक भी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। एक क्वेश्चन मैं और करा रहा हूँ जिसमें आपको हानि प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर है, तो उसे हम फार्मूला और ट्रिक दोनों से बताएंगे, तो वो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसे आप नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो अगर आप समझ पा रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल से ज़्यादा जुड़िए मैथ साइंस की क्लास पढ़ने के लिए, अदर भी सब्जेक्ट की क्लास पढ़ने के लिए। तो आइए हम उस प्रश्न को भी आपको कराते हैं बहुत आसान तरीके से, और उसे आप देखिए आते हैं। देखिए इस सवाल में हम थोड़ा सा चेंजिंग किए हैं पहले वाले सवाल से, थोड़ा सा यह सवाल अलग है। देखिए इस सवाल को कैसे लगाएंगे, इसका मैं फार्मूला बेस भी बताऊंगा और आपको ट्रिक भी बताऊंगा। देखिए इस सवाल में कुछ नहीं, इसे आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। इसके दो आंसर मिलते हैं और दोनों आंसर को जोड़ने के बाद में उसका नंबर 100 होना चाहिए। तो देखिए पहले सवाल को पढ़ते हैं। कुमार एक वस्तु 21 रुपया में बेचता है जिसे उसको उतने प्रतिशत की हानि होती है जितने की उसे वस्तु क्रय की थी, तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा। तो आपको इसमें भी क्रय मूल्य ज्ञात करना है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा बदला है कि जो वस्तु का जो प्रतिशत हानि है, जो प्रतिशत हानि है वह किसके बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर है। पहले वाला सवाल था प्रतिशत लाभ क्रय मूल्य के बराबर था, तो उस क्वेश्चंस को हम करा चुके हैं, आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं। इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है, देखिए फार्मूला से पहले समझते हैं, उसके बाद में हम आपको एक छोटा सा ट्रिक बताएंगे। देखिए फार्मूला है इसके लिए कास्ट प्राइस इक्वल टू 10 गुणे ब्रेकेट में 25। अब देखिए यहाँ पर हानि के केसेज में हम प्लस नहीं लिखेंगे, माइनस लिखेंगे सेलिंग प्राइस, और यहाँ पर आपका हो जाएगा -50। ये आपका फार्मूला है या अब देखिए हम वैल्यू को पुट करते हैं इस फार्मूला में। 21 रुपया बेचने पर जो सेलिंग प्राइस है 21 रुपया है, इतनी छोटी सी बात आप पकड़ लेंगे, तो 10 गुणे 25 माइनस 21, और यहाँ पर हो जाएगा -50। 10 गुणे में से 21 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, √4 -50, तो 10 गुणे इस 4 का वर्गमूल कितना होगा, तो 2 होगा, तो 2 -50। अब देखिए 10 दूनी 20 और -50, अब 20 में से 50 घटाएंगे तो -30 आएगा, -30 रुपया। अब चूंकि हानि प्रतिशत है तो हानि प्रतिशत में क्या होता है, तो जो माइनस आया है वो हानि प्रतिशत को शो कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है कि आंसर आपका माइनस में नहीं रहेगा, तो जो 30 रुपया आया है, अब बताइए इसके दो आंसर मिलेंगे। अगर ये 30 रुपया आया है तो और एक नंबर हम कौन सा लें कि इसको जोड़ने के बाद में वैल्यू 100 हो जाए, तो आप कहेंगे कि सर एक नंबर आप 70 ले लो, एक नंबर कितना ले लो, 70 ले लो, तो 70 और 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो देखिए यही ऑप्शन में चेक करना है कि जो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस निकल के आएगा वो आपका 2 निकल के आएगा, और दोनों को जोड़ने के बाद में वो दोनों नंबर का योग 100 होना चाहिए। इस बात को आप समझिए अच्छे से, इससे जब भी प्रश्न बनेंगे तो ऐसे प्रश्न में जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस आएगा, क्योंकि हानि प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर है, तो इसमें जो माइनस आएगा वो हानि प्रतिशत को शो कर रहा है। पिछले वाले सवाल में आंसर 1 मिलते थे, इसमें आंसर आपके 2 मिलेंगे। अब देखिए दूसरा आंसर कैसे आया, यहाँ पर आपका 30 रुपया आया, फिर हम आपसे कहें कि 30 में आप ऐसा नंबर जोड़िए जो 100 हो जाए, तो आप 70 को ऐड करेंगे, तो 30 और 70। अब विकल्प से भी इसे आप बहुत आसान तरीके से लगा सकते हैं कि दो नंबर दिए रहेंगे, देखिए दो आंसर दिए रहेंगे, दोनों आंसर को जोड़ने के बाद में जिनका योग 100 हो जाए वही आंसर होगा। तो इसमें हम चेक करते हैं कि 30 और 70 कौन सा है, तो 30 और 70 आपका विकल्प नंबर डी है। देखिए 30 को और 70 को जोड़ेंगे यहाँ पर तो आपका कितना मिलेगा, 100 मिलेगा। अब देखिए हम इसके लिए एक ट्रिक बता रहे हैं, इस फार्मूले को आप समझ गए हैं, देखिए हम इसके लिए एक आपको ट्रिक बता रहे हैं। ट्रिक क्या है समझिए, जो आपका नंबर है 21,
21 नंबर है, आपको 21 नंबर यहाँ लिख लेना है। फिर अगर हम आपसे कहें कि आप ऐसे दो नंबर का गुणा करो, ऐसे दो नंबर का गुणा करो कि जो दो नंबर हो उनको जोड़ें हम तो 10 हो जाए, तो देखिए 3 और 7 यही दो नंबर हैं, 3 और 7 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 21 मिलेगा। कितना मिलेगा, 21 मिलेगा। अगर 3 और 7 को आप जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 होगा। यही चीज़ हम आपसे बोले हैं, अभी यही आपको समझना है कि 21 को ऊपर लिखना है, फिर ऐसे दो नंबर का गुणा करना है जिनका योग कितना हो, 10 हो। आप कहेंगे कि सर ये 21 है तो 7 × 3 कर सकते हैं, कर सकते हैं आप, 3 × 7 कर सकते हैं, कर सकते हैं। और कोई नंबर है जिनको गुणा करने के बाद में 21 आ जाए, बताइए कौन से नंबर हैं, बताइए कौन से नंबर हैं, कोई नंबर नहीं है जिनके आपस में गुणा करने पर कितना हो जाए, 21 हो जाए। तो अब देखिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 3 मिला और यहाँ पे 7 मिला, अब इन्हीं दोनों के बगल में हमको 0 लगा देना है। देखिए यहाँ पर 0 लगा दिए, यहाँ पर 0 लगा दिए, तो एक नंबर आपका 30 आया और दूसरा नंबर क्या आया, 70 आया। विकल्प में चेक कर लीजिए, 30 और 70 वाला विकल्प आपका सही है, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, 100 आएगा। तो देखिए जो ये टॉपिक हम आपको बताए हैं, इस टॉपिक में दो तरह के सवाल बनते हैं। पहले टाइप के सवाल आप समझ गए होंगे, पहले टाइप के फार्मूले को रिपीट करते हैं। कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 10 × 25 प्लस सेलिंग प्राइस माइनस 50। ये फार्मूला कब लगेगा, जब जब आपका प्रॉफिट प्रतिशत लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर हो। और दूसरा फार्मूला क्या था, CP इक्वल टू 10 × 25 माइनस सेलिंग प्राइस माइनस 50। ये है, तो वीडियो को पूरी तरीके से आप समझ गए हैं। ट्रिक भी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल से जुड़े और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोग भी इस वीडियो को देख सकें और चैनल से जुड़ सकें। तो जल्द ही हम प्रॉफिट लॉस की अगली वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।